अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आयशा। क्या हाल है आप सबका? मेरा तो हाल कुछ देर बहुत बुरा था, बट अब अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ट्विटर को। ट्विटर में एक्चुअली क्या होता है, हम हैशटैग्स का यूज़ करते हैं, अपने ट्वीट करते हैं जो हम ट्वीट करना चाहते हैं, ठीक है। ट्विटर में बेसिकली कोई ये फालतू फालतू के लोग नहीं होते, लाइक टाइम पास या ये वो। ट्विटर में वो लोग आते हैं जो बिजनेस होते हैं या उनकी कोई एक अच्छी पोस्ट होती है, और इसके अलावा जो सोशल एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहना पसंद करते हैं। सो देन दूसरी अगर मैं बात करूँ तो हम ट्विटर पे एड्स वगैरह भी रन करते हैं, और हम इसमें क्या करते हैं कि जो पोस्ट हो या जिस चैनल या जिस ब्रांड या जिस भी कंपनी का हम एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, हम उन पोस्ट को लेते हैं, ऊपर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखते हैं, देन उस पोस्ट को एंटर कर देते हैं, एंड देन हैशटैग्स का यूज़ करते हैं। जब भी कोई बंदा कुछ जो जब हमने हैशटैग्स का यूज़ किया होता है ना, तो वो चीज़ सबसे ऊपर शो रही होती है हमें, तो इसलिए हम यहाँ पे पोस्ट करके हैशटैग्स का यूज़ करते हैं। किसी भी पोस्ट पे या किसी भी ट्वीट पे हैशटैग्स का यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं वेब डेवलपमेंट की पोस्ट करती हूँ यहाँ पे, तो मैं अपनी हैशटैग्स को लाजमी, मतलब 3 या 4 या 5 या 6 हैशटैग्स लाजमी यूज़ करती हूँ। मैं आपको अगर अपनी प्रोफाइल दिखाऊं तो यहाँ मैंने PNY का, मतलब जो कोर्सेज हैं उनकी पोस्ट की हुई है। वैसे ना, ये जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, इसको पता नहीं क्या मसला है आप लोगों से, ये नेट में इशू करना शुरू कर देता है यार। सीरियसली, मैंने आपसे पहले नेट चला के ट्राई किया, 1 सेकेंड में ये कंपेन ऐड खुल गई थी। मैंने ये इसलिए किया था कि चलो यार, नेट ना भी ऐसा चला तो कम से कम मैं आपको डायरेक्ट वहाँ से बता दे सकूँ। ये देखें, हैशटैग्स का यूज़ किया हुआ मैंने, कि जब भी कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट या पे किसी भी चीज़ को सर्च करेगा तो सबसे ऊपर शो हो जाएगा हैशटैग्स के थ्रू। अगर आप हैशटैग्स का यूज़ नहीं करते तो देन आपको कुछ भी शो नहीं होगा। और अगर बात की जाए इसकी, अब हम इसकी अगर एड्स की बात करें, या आप क्या मतलब वीडियो प्रोफाइल में जाके आपको अपनी इन्फॉर्मेशन करनी होती है, या आपके ट्वीट्स जो आपने किए होते हैं, जो रिप्लाइज होते हैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लाइक्स वगैरह, और जो आप मीडिया वगैरह शेयर करते हैं, वो सब यहाँ पे शो हो रहा होता है। ये तो बात होगी इसकी बेसिक चीज़ों की, जिसका मे बी आपको आइडिया भी होता। अब हम आते हैं इनके एड्स की तरफ, ट्विटर एड्स। फर्स्ट थिंग मैं क्लियर करती चलूँ कि अगर हम एड्स रन भी करते हैं और आपको इसकी ऑप्शन नहीं शो होती, तो उसका मतलब ये, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ये पिंटरेस्ट आपको लिंक्डइन से पहले करवाना चाहती थी, लेकिन मसला ये था कि मेरा अकाउंट ही मैंने आपके लिए न्यू बनाया था, सो इसमें मुझे वो ऑप्शन नहीं दे रहा था। जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करती थी ना, लाइक ट्विटर एड्स पे, तो वो एक पेज सामने खुल जाता था, ये नहीं खुलता था, दूसरा खुलता था, उसके ऊपर आता था गेट स्टार्टेड, बट मेरा ये न्यू न्यू अकाउंट था तो वो मुझे इसलिए ऑप्शन नहीं देता था। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, इसका मतलब है आपका अकाउंट न्यू है, सो इसलिए वो आपको ऑप्शन नहीं दे रहा। तो इस चीज़ से किसी ने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि मोस्टली लोगों का आइडिया नहीं होता, इसलिए मुझे भी नहीं था शुरू शुरू में, अभी नहीं शुरू शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था, बट अब मुझे आइडिया है कि ये क्या चीज़ है और क्यों होता है। तो आज मैं कोई और अपना पुराना अकाउंट ट्राई करने लगी थी, बट जब मैंने इसको ट्राई किया तो ये ओपन हो गया। मैक्सिमम 2 वीक्स पहले का अकाउंट होना चाहिए, मैंने यही सोच के कि पहले का अकाउंट बना के रखा था, बट फिर भी ये थोड़ा सा इश्यू कर रहा था। सो अब हम बात करते हैं जैसे ये रीच, वीडियोस व्यूज, ऐप री एंगेजमेंट, फ्री रॉल व्यूज, ऐप इंस्टॉल्स, वेबसाइट्स क्लिक्स, एंगेजमेंट फॉलोअर्स। अगर आपसे बात की जाए तो ये हमने फेसबुक के एड्स में भी स्टडी किया था, बट अब हम इसके रीच को क्लिक करके ऑब्जेक्टिव को नेक्स्ट करते हैं। सो हमारे पास आ जाता है यस, देखिए अब ये आ गया। हम यहाँ से जाके अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज भी कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, तो हम क्यों करें। कैंपेन नेम लिख देते हैं भाई, रीच चाहिए ब्रांड की, ब्रांड रिच, फाइंडिंग सोर्सेस
जो आपको यूज़ किया, वैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ही यूज़ होता है। डेली बजट में यहाँ पे डॉलर्स का ही शो होगा आपको, पाकिस्तानी रुपीस नहीं शो होता यहाँ पे, आप यहाँ पे डॉलर्स का करेंगे, आप कर लें 5 डॉलर, यहाँ भी 5। यह अपडेट क्लिक करेंगे 2:10:45, हम यहाँ पे देख रहे 49। ये मतलब आपकी चीज़ होगी। ओके, अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट। हम आ जाएंगे, मतलब हम जो ग्रुप्स की डिटेल्स हैं वो वगैरह देंगे इस पर, ठीक है। ये देखें आपकी ऑडियंस, यहाँ भी मतलब ऑडियंस अभी हमने सेलेक्ट ही नहीं की तो वो शो ही नहीं कर रहा। और देन यहाँ पे अब स्पेसिफिक टाइम, ऑटोमेटिक बिड ज़्यादा बेटर रहती है यहाँ पे, और ऑप्टिमाइजेशन प्रेफरेंस, रीच विद इंगेजमेंट या मैक्सिमम रीच। आप चाहते हैं कि आपकी रीच भी हो साथ इंगेजमेंट भी हो तो आप इसको क्लिक कर देंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिर्फ मैक्सिमम रीच हो ज़्यादा से ज़्यादा तो आप इसको क्लिक कर देंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ भाई नहीं, रीच विद इंगेजमेंट हो तो ही बेटर है, अदरवाइज नहीं भी मैंने नहीं करना। डेमोग्राफिक्स में आ जाते हैं। अब आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आप वुमेन सेलेक्ट करोगे या मैन सेलेक्ट करोगे, सो आपकी मर्ज़ी है उसमें, या आपका, आपकी मर्ज़ी नहीं, आपके बिजनेस की मर्ज़ी है। वो आपका बिजनेस या आपका ब्रांड आपको बताएगा कि आपको कौन सा जेंडर सेलेक्ट करना है। देन ये एज रेंज आ जाती है, उसमें ऑल हो जाता है, इसमें कुछ ना कुछ आ जाते हैं। देखें भाई, आजकल तो 10 साल के बच्चे के भी फेसबुक आईडीज़ हैं, सो 10 साल के बच्चों को दिखाने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, और एंड अब इतने बड़े एज के लोग भी यूज़ नहीं करते। ये कोई भी ब्रांड हो, जैसे आपका बिजनेस है खाने पीने से रिलेटेड, तो वो आप 49 पे ही रखेंगे, बहुत कम होता है। 54 के एज वाले भी ढूंढ रहे हो, चलो ये तो होता है ना, गैदरिंग इकट्ठी हुई होती है तो उसमें ही आ जाता है। और यहाँ पे 13 भी नहीं, यहाँ पे आप 18 कर सकते हैं कि हमने अपने ये, फिर आप लोकेशन, जैसे हम वहाँ पे लोकेशन का करते थे वही चीज़, आप लैंग्वेज देख सकते हैं। आपका बिजनेस अगर इंग्लैंड में है आपको इंग्लिश होनी चाहिए भाई, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप कहेंगे उर्दू भी और इंग्लिश भी, जो हमारे पाकिस्तानी इंग्लिश के पीछे भागते हैं अपनी कौमी ज़ुबान को छोड़ के, हम यहाँ पे वो भी कर लेंगे। ये टिक, देन अब यहाँ पे आता है उर्दू। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है भाई, हाँ ये डॉलर्स में यूएसए का, सो इसलिए ये हमें वो उर्दू की ऑप्शन नहीं दे रहा, और वैसे भी इंग्लिश पे ही सारा काम होता है जो भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप किस, अपने किस सिस्टम को दिखाना चाहते हैं, उनके पास आईफोन हो, एंड्रॉयड मोबाइल हो, या कोई भी मोबाइल हो, या डेस्कटॉप वाले का सिर्फ, मैं चारों पे दिखाना चाहती हूँ तो मैं नहीं छेड़ना खानी करूँगी भाई, चारों पे दिखे ऑल, उसमें भी आगे ऑप्शन आ जाती है कि आपने किस किस को दिखाना है, या कौन सा लाइक कौन सा iOS वाला मोबाइल हो, आपके जिन मोबाइल वाले से दुश्मनी हो ना, जैसे एंड्रॉयड वाले आपको पसंद है, कर दो क्रॉस भाई, ज़रूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे डिवाइस मोबाइल आ जाता है कि आप कौन सी डिवाइस मोबाइल करना चाहते हैं, हिवावे, गूगल, HTC, नोकिया, वन प्लस, अमेजोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो डिपेंड करता है। उसके बाद ये आ जाती कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस की अगर देखा जाए तो अभी हम बात नहीं करते तो, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं इसमें आप क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, किस तरह की ऑडियंस होनी चाहिए किस तरह की नहीं होनी चाहिए। सो ये कोई इतना नहीं है मैटर करता, बट इसको भी हम डिस्कस करेंगे तो जो दिमाग में आया ना, वो कहते हैं ना समझ लगी कि जी आई सी भी गई, ये वाला सीन है। मैं आपको भी थोड़े से इजी पॉइंट से ही लेके चलना चाहती हूँ,
देन टारगेटिंग फीचर्स में भी इसमें मतलब सिंपल सा है। आप क्या चाहते हो भाई, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो कैसे हो, इंटरेस्ट उनका क्या, मूवीज एंड टीवी शोज कौन से देखते हो, इवेंट्स कौन से पसंद करते हो, कन्वर्सेशन टॉपिक्स उसका क्या, प्लेसमेंट में वही बात आ जाती है कि आप ट्विटर की कौन सी प्लेसमेंट में दिखाना चाहते हैं, लाइक प्रोफाइल, सर्च रिजल्ट वगैरह में, क्रिएटिव ट्वीट्स वगैरह कई इसमें होते हैं। और देन अगर हम बात करें रिव्यू एंड लंच लॉन्च कंपनी, तो ये देखिए एंड ये इस तरीके से इस दिन से स्टार्ट हुई है। डेली बजट $5 एंड फंडिंग रिसोर्सिस क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, पेसिंग स्टार्टर्ड है इसका, लॉन्च कैंपेन करेंगे तो ये एरर दे देंगे क्योंकि हमने इसको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लर्न किया, इसके अंदर डिटेल्स वगैरह नहीं स्टडी की। सो आई नो आज की वीडियो थोड़ी सी बोरिंग थी क्योंकि प्रैक्टिकली वर्क था, तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा वर्क था, सो बोर होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको इंटरेस्ट लेके स्टडी करें क्योंकि लाइफ में हर टाइम चिल होना भी अच्छी बात नहीं है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी केयर किया करें, अपनी डाइट वगैरह पे फोकस किया करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, कल मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।